आ रही है जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। गिरिडीह के गांडीय विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद ने विधायक के पद से त्यागपत्र दे दिया है। इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए खाली की गई है सीट। जी मीडिया संवाददाता आयुष रांची से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। आयुष बताएं, क्या जानकारी मिल रही है? विधायक ने इस्तीफे के कारण के तौर पर कुछ बताया है क्या? जी देखिए, अब तक जो है उनका कोई आधिकारिक बयान जो इस पर इस्तीफे पर नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जो अधिसूचना है वो विधानसभा सचिवालय की ओर से जो है जारी कर दी गई है। उसमें ये बताया गया है कि उनके स्वतः जो है खुद उन्होंने इस्तीफे की जो है पेशकश की है, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर मुहर लगा दी है। और उसके बाद जो ये नोटिफिकेशन, जैसे ही राजनीतिक गलियारों में इसकी जानकारी मिली, चर्चाओं का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि आपको बता दें कि जो मौजूदा स्थिति है झारखंड की, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार ईडी समन कर रही है। हाल ही में ईडी ने कहा था कि आप 2 दिन के अंदर बताएं कि कहां आप किसी विशेष स्थान पर अगर बातचीत करना चाहते, पूछताछ जो हम करना चाहते वो करना चाहे तो बताएं, अन्यथा ये आखिरी समन है। इसके बाद कहा जा रहा है कि उनके अगर आगे की जो भी है प्रक्रियाओं में वो शामिल होते हैं और किसी प्रकार से अगर उन्हें परेशानी होती है तो वैकल्पिक रूप से कौन खड़ा हो, जिस तरह से अगर कह सकते हैं तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि जो उनकी पत्नी है कल्पना सोरेन वो ले सकती है। तो ऐसे में आने वाला समय के लिए, जैसे अब मान लेते हैं कि अगर विधायक नाराज थे कहीं पार्टी से, अगर नाराजगी जैसी कोई बात होती तो शायद उनको मनाने का प्रयास होता, स्पीकर ने तुरंत उनकी जो अर्जी है वो स्वीकार कर ली, उसके बाद पार्टी के प्रवक्ता ने भी बयान दे दिया है कि किसी खास प्रयोजन से सीट खाली कराई गई है। तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई विकल्प तैयार करने के लिए किसी को चुनाव लड़ाया जाएगा यहां से? जी बिल्कुल, देखिए यही चूंकि अब तक जो बात हुई है और जिस तरह से प्रवक्ता का कहना है कि हम लोग विशेष प्रायोजन के तहत ये सीट खाली की गई है, ये तो ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उस तौर पे कई दिनों से ये बातें हो रही थी कि कल्पना सोरेन जो है वो अभी पार्टी को संभाल सकती है, वो मुखिया के रूप में नेतृत्व कर सकती है। और चूंकि अगर पिछले क्रियान्वयन को भी देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ विधानसभा के लिए आते हैं, कल 2 कार्यक्रम की बात करें, जब स्थापना दिवस समारोह हो या फिर 4 साल पूरे होने का मौका हो तब वो अपने पिता और पत्नी दोनों के साथ जो है वो मंच पे वो आते हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाला समय में हम कल्पना सोरेन को एक नेता के तौर पे तो जरूर देख पाएंगे, बाकी आगे जो भी सूचनाएं आएंगी, जानकारी आएंगी, हम उपलब्ध कराते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आयुष। तो विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है सरफराज अहमद ने, और सरफराज अहमद जो हैं वो गिरिडीह के गांडे विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनका कहना है, उनका अब तक उनका आधिकारिक बयान नहीं आया है, बल्कि पार्टी का ये कहना है कि किसी विशेष प्रयोजन के तहत ये सीट खाली कराई गई है। यानी पार्टी ये कह रही है कि दरअसल ये खाली की गई सीट जो है ये किसी नाराजगी में नहीं है, बल्कि एक खास मकसद से ये सीट खाली की गई है। और जो चर्चा है वो ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकल्प की तैयारी करने के मकसद से ये किया गया है। दरअसल बार बार ईडी का समन जा रहा है सीएम को और अब तक वो पेश नहीं हो रहे हैं, तो माना जा रहा है कि कहीं चुनौतियां बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में कल्पना सोरेन, जो खबरें आ रही हैं कि कल्पना सोरेन उनकी पत्नी जो हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं इस सीट से, और इसीलिए ये सीट खाली कराई गई है क्योंकि इस्तीफा जो है वो स्वीकार भी कर लिया गया है। चलिए एक बार फिर से आयुष के पास चलते हैं। आयुष, अब ये इस्तीफा जो हुआ है ये एक तरफ तो जेएमएम का पक्ष है, क्या कुछ और भी कयास लग रहे हैं? दूसरा कोई दूसरा पहलू भी इसका नजर आ रहा है क्या? तो राजनीति गर्म हो गई है झारखंड की, और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर अचानक से ये पार्टी ने फैसला क्यों किया गया, अगर ये पार्टी का फैसला है तो, क्योंकि प्रवक्ता जेएमएम के जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक खास मकसद से इस सीट को खाली कराया गया है, और वो मकसद क्या है ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन चूंकि लगातार जो चुनौतियां हैं वो प्रदेश में बताया जा रहा है कि चूंकि बढ़ रही हैं मुख्यमंत्री के लिए, ईडी बार बार उनको समन भेज रहा है, ईडी के सामने वो पेश नहीं हो रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि फिर से अगर दोबारा वो पेशी के लिए जाते हैं और किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो सीएम हेमंत सोरेन का एक विकल्प तैयार हो, और इसी मकसद से हो सकता है कि ये सीट खाली की गई हो, क्योंकि
गिरिडीह का गांडे विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से जेएमएम के विधायक रहे सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने स्पीकर को भी इस्तीफा दिया, स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया है। तो जाहिर तौर पर अब ये चर्चा जो है वो सबसे ज्यादा जोर पकड़ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विकल्प तैयार किया जा रहा है और विकल्प के तौर पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हो सकती हैं। पिछले लंबे वक्त से देखा जा रहा है कि कल्पना सोरेन जो हैं उनकी राजनीति में लगातार उनकी सरगर्मी बढ़ रही है, उनको लेकर राजनीति में उनकी एक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इधर देखी गई है, सक्रियता देखी जा रही है क्योंकि वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं, मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रमों में मौजूद रहती हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री उन्हें तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए कि वो उनके विकल्प के तौर पर मौजूद रहें अगर किसी तरह की परेशानी होती है। तो ये जो सरफराज अहमद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने जो त्यागपत्र दिया है वो पत्र भी हम दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी उनकी ये फोटो, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये पार्टी में किसी तरह की समस्या की वजह से नहीं हुआ है बल्कि उनकी मर्जी से, पार्टी की मर्जी से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है।